नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। आज सियासत की बात पे चर्चा करेंगे कि कैसे इजराइल एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर रहा है और इसका पश्चिम एशिया में क्या असर होगा। इजराइल वेस्ट बैंक में नए घर बनाने वाला है। इजराइल ने घोषणा की है कि वो 7 नए इलाकों में 1355 नए घर बनाएगा। पिछले साल अगस्त में इजराइल ने 2000 नए घर बनाने की घोषणा की थी, यानी अब नए घर 3000 से ज्यादा होंगे। इसको लेकर फिलिस्तीन के नेताओं में खासी नाराजगी है। इजराइल की राइट विंग पार्टियां इसे ठीक कदम बताती हैं। उनका कहना है कि यहूदियों की संख्या वेस्ट बैंक में बढ़नी चाहिए। पसच तो यह है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से ये गैर कानूनी कदम है। इजराइल ने वेस्ट बैंक पर कब्जा 1967 के युद्ध के दौरान किया था। उससे पहले वेस्ट बैंक फिलिस्तीन राज्य का हिस्सा था, लेकिन इजराइल ने पूर्वी और पश्चिमी जेरूसलम को जोड़ दिया। इसको लेकर वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में बहुत तनाव है। इजराइल अब तक 5 लाख लोगों को वेस्ट बैंक में बसा चुका है। नफ्ताली बेनेट इजराइल के प्रधानमंत्री हैं और दक्षिण पंथी विचारधारा से जुड़े हैं। उनके विरोधियों का कहना है कि वो पूर्व प्रधानमंत्री नेतन्याहू की नीतियों को अपने कार्यकाल में आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं फिलिस्तीन के लोगों का गुस्सा शांत करने के लिए इजराइल ने 9000 नए परमिट जारी किए हैं। इन परमिटों के जरिए फिलिस्तीन लोग इजराइल की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम कर पाएंगे। इजराइल की सरकार का कहना है कि इस वक्त लगभग 1,20,000 फिलिस्तीनी लोग इजराइल में काम करते हैं, लेकिन फसाद की जड़ रोजगार नहीं बल्कि रिहाइश का मामला है। 1948 में इजराइल के बनने के बाद फिलिस्तीनी लोग हाइफा जैसे बड़े शहरों को छोड़कर वेस्ट बैंक भाग कर आए थे। वेस्ट बैंक में इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थान अलक्सा मस्जिद भी है। माना जाता है कि यहीं से पैगंबर ने स्वर्ग का रास्ता लिया था। इजराइल ने वेस्ट बैंक में दोहरी नीति अपनाई है। वो वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी लोगों की संख्या कम कर यहूदियों की संख्या बढ़ाना चाहता है। इसी साल शेख जर्रा इलाके में इजराइल की फौज ने कुछ घर खाली कराने की कोशिश की थी। बहाना अदालत का था, असर बिल्कुल उल्टा हुआ। नाराज लोग अलक्सा के परिसर पहुंच गए। वहां इजराइल ने रबड़ की गोलियां चला दी। इसको लेकर अलक्सा के किनारे जमकर हंगामा हुआ और जेरूसलम में कर्फ्यू लगाना पड़ा। इजराइल को मामले को नियंत्रित करने के लिए 10 दिन लग गए। इसके साथ साथ अलक्सा में अब यहूदियों को परिसर में पूजा करते देखा जा रहा है। वहां नियमों के अनुसार परिसर में यहूदी आ तो सकते हैं, लेकिन पूजा का अधिकार केवल मुसलमानों के पास है और अलक्सा के ट्रस्ट की मिल्कियत जॉर्डन के पास। लेकिन अलक्सा पर असली नियंत्रण इजराइल के हाथ में है और वो जेरूसलम को इजराइल राष्ट्र की आत्मा मानता है। ऐसे में नए घर बनाने की इजाजत को लेकर वेस्ट बैंक और गाजा में जमकर हिंसा हो सकती है। फिलिस्तीन के लोगों को लगता है कि उनकी जो बची खुची जगह है वो भी इसराइल उनसे छीन लेगा। आज गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक के बॉर्डर मिलते नहीं हैं। वहीं इस फैसले के ठीक दिन पहले इसराइल ने फिलिस्तीन के कुछ एनजीओस को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। ये संगठन अब फिलिस्तीन के लोगों के साथ काम नहीं कर सकते। इसको लेकर पूरे वेस्ट बैंक में तनाव है, लेकिन इसराइल का कहना है कि वो घर बनाकर रहेंगे। सच बात तो ये है कि घर बनने के बाद फिलिस्तीन के लोग अपनी जमीन से कट जाएंगे और उनका पैलेस्टाइन राज्य का सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वेस्ट बैंक में यहूदी ज्यादा और फिलिस्तीनी कम होंगे। तो सियासत की बात पे बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें टीवी 9 डिजिटल।